हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोसिका। वेलकम टू माय सिका आर्ट चैनल। आज देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एक स्टोन है और स्टोन के ऊपर मैं ड्राइंग करने वाला हूं। कुछ प्लानिंग ऐसे किया हूं कि कुछ मतलब बनाने के, और वो प्लानिंग जो है मेरा सीनरी ही रहेगा और इवनिंग वाला सीनरी रहेगा। ऐसा तो पेपर में मैं बनाते रहता हूँ, तो आज सोच रहा हूँ कि पत्थर में बना के देखता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा। आप देखिए कंप्लीट होने तक और कमेंट करना। ये पत्थर में वॉल पेस्टल से नहीं हो पाएगा, थोड़ा ट्रायल तो नहीं किया हूँ अभी से, देखता हूँ बाद में वॉल पेस्टल से भी करके देखूँगा। बट अभी मैं वाटर कलर से मैं बना के देखता हूँ कि क्या उसमें पिक्चर जो है क्या आ रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। और ये वाटर कलर है जो कि लोकल मार्केट में मिल जाता है, आप लोग भी रखिए, वाटर कलर रखिए, वॉल पेस्टल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये 160 का है, ज़्यादा भी प्राइस नहीं है, 18 कलर है। और मैं जो पिक्चर बनाऊंगा सीनरी रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कलर चूज़ करके मैं निकल रहा हूँ। आप लोग अगर पत्थर पत्थर से भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, स्किल बढ़ेगा आर्ट के ऊपर आपका और नॉलेज बढ़ेगा, न्यू न्यू नॉलेज आते रहेगा। पेपर में तो सब कोई करते हैं, तो मैं भी सोचा कि थोड़ा पत्थर से करके देखता हूँ। अब जो अगर बिगिनर है तो पत्थर में मत कीजिए, पेपर में कीजिए तो अच्छा रहेगा। अगर ड्राइंग शीट पेपर अगर नहीं मिल रहा है तो पत्थर से भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करना है तो कहीं भी करें, बट पेपर अच्छा रहेगा। ये देखिए रेड कलर से मैं कर रहा हूँ पहले, उसके बाद येलो यूज़ कर रहा हूँ। इवनिंग सीन रहेगा तो ऐसे ही ऑरेंज, रेड और येलो को मिक्स करके हम लोग ऑरेंज निकाल सकते हैं। तो रेड तो नहीं रहता है बट ऑरेंज ही रहता है, तो रेड येलो मिक्स हम करके ऑरेंज निकालेंगे। और मिडिल में थोड़ा माउंटेन बनाने का सोच रहा हूँ, और दोनों तरफ जंगल टाइप का रहेगा, बहुत सारे पेड़ वगैरह रहेगा। और हम लोग दूर से इधर से मतलब जैसे कि कैमरा से कैप्चर कर रहे हैं पिक्चर को, तो हम लोग दूर से हैं और पिक्चर ऐसे लगेगा। और जो माउंटेन दूर में रहेगा और जो जंगल टाइप का जो रहेगा, जो पेड़ पौधे वो भी दूर में रहेगा। और देखिए ये जो दोनों साइड में ब्लैक कर रहा हूँ, ब्लैक और ग्रीन को मिक्स करके किया हूँ इसमें, क्योंकि ब्लैक ही करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जो पेड़ पौधे रहेगा ग्रीन रहेगा, उसका शेडो रहेगा तो ब्लैक रहेगा, तो दोनों मिक्स करके करेंगे दूर से, ऐसे ही लगेगा। इसमें देखिए सन बना रहा हूँ ऊपर में इवनिंग टाइम का, और जैसा कि आप यहीं पे देखिए, और थोड़ा सा लाइट दे रहा हूँ, ब्लैक दे रहा हूँ पीछे से सामने तरफ। ये आसमान देखिए थोड़ा सा क्लाउड्स ऐसा ही कुछ रहता है, तो ऐसा ही मैं किया हूँ थोड़ा बहुत, कहीं कहीं ब्लैक ब्लैक रहेगा, कुछ ऐसा ही रहता है। और जब भी आप कलर यूज कर रहे हैं वाटर कलर, तो पानी मिक्स मत कीजिएगा, डायरेक्ट ही ऐसे कलर से कीजिए, क्योंकि स्टोन है वहाँ पानी सूखता नहीं है तो लाइटिंग नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट ही मोटा कलर से यूज कीजिए। पेपर हो, पेपर में कर सकते हो, पेपर क्यों सूख लेता है अंदर। और यहाँ पे देखिए अब मैं ट्री कट दिया हूँ वन साइड में, दोनों तरफ करूँगा और पानी के ऊपर उसका शेडो भी करूँगा तो और अच्छा लगेगा, थोड़ा सा 3D जैसा लगेगा। यहीं पे थोड़ा सा शेडो टाइप का दे दूँगा। और इवनिंग टाइम में देखते हैं आप, बहुत सारे बार्ड्स मतलब इधर उधर उड़ते रहते हैं, जाते रहते हैं अपने अपने जगह पे, तो वही बनाया हूँ, 2-3 बार्ड्स बनाया हूँ। यहीं पे और थोड़ा सा रेड कलर देखिए लाइटिंग दे रहा हूँ, ऊपर का जो लाइटिंग रहेगा वही रहेगा पानी में। मेरा तो इवनिंग सीन सबसे अच्छा लगता है मॉर्निंग में से, तो अक्सर मैं इवनिंग का ज़्यादा ही बनाते रहता हूँ। देखिए ये पिक्चर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को जा रहा है, और ये पिक्चर कैसे लगेगा, आप लोगों को कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। यहीं भी थोड़ा सा गैप था तो माउंटेन बना रहा हूँ, एक्चुअली गैप इसलिए था कि पत्थर थोड़ा सा यहीं पर डीप था, तो यहीं पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा माउंटेन स्टाइल का भी कर दिया। बट सोचा था फिर नहीं करूँगा ऐसा ही, और प्लानिंग फेल हो गया था, फिर करना पड़ रहा।
ये देखिए, तो पत्थर का भी जो है, जो माउंटेन का है उसका भी थोड़ा सा शेडो कर देंगे हल्का फुल्का यहीं पे। हाँ, ये ट्री का भी कर देता हूँ। आप लोगों को कैसे लग रहा है ये पिक्चर, प्लीज़ कमेंट करके बताना। जो फ्रेंड्स नए हैं मेरे चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाना जो कि नोटिफिकेशन आए आपके पास। और देख पा रहे हैं पिक्चर कंप्लीट हो गया, सिक्का आर्ट है। और ऐसे पत्थर से बनाएंगे तो आप कहीं भी सजा सकते हैं, आप कहीं जैसे टेबल में हो गया या कहीं भी आपकी स्पेस ऐसा है, सबके लुक वहाँ पड़े, नज़ारा अच्छा लगे। मैं यहीं पे रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। देखिए वहाँ पे छोटा सा प्लास्टिक का गमला है, प्लास्टिक का फ्लावर रखे हैं तो उसी के आसपास रख रहा हूँ। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है दूसरी जगह रखने के लिए। देखिए आप भी ऐसे सजा कर रख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।